व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रॉय बॉय यूनिवर्स के टेक्नोलॉजी चैनल में। और फिलहाल आप सभी को पता होगा कि जितने भी आप लाइक वायरलेस ईयरफोन यूज करो, जितना भी TWS ईयरफोन यूज करो, लेकिन आपको एक वाइड ईयरफोन की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो सबसे पहले बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि कौन सा एक बजट ईयरफोन है जो कि हमको लेना चाहिए, जो कि हमें अच्छा पड़े और जो कि अच्छा क्वालिटी का हो और जल्दी से खराब ना हो। क्योंकि बहुत लोग ईयरफोन यूज करते हैं और जिससे जैसे उसको यूज करते हैं अच्छे से यूज करते हैं, लेकिन दो तीन दिन बाद जितना भी आप लाइक 900-1000 रुपए खर्च करके लो, दो तीन दिन बाद वो हमेशा खराब हो जाता है। एक साइड सुनाई नहीं देता, एक साइड सुनाई देता है। तो फिलहाल उसके लिए मेरा एक आंसर है, एक बहुत अच्छा ईयरफोन है जो कि बोट के तरह से है, आप देख सकते हो, इसको देखते हैं। और ये है बहुत अच्छा एक बजट सा ईयरफोन जो कि हमें 400 के आसपास में मिल जाता है। तो पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए क्या करना, पहले आप देख सकते हो कि इसका पैकिंग कैसा है, और इसमें तो प्राइस वाइज कुछ मेंशन है नहीं। तो फिलहाल मैं इसको खोल देता हूं और देखते हैं, ओपन करते हैं तो क्या मिलता है हमें। तो ओपन करते हैं तो इसका पैकेजिंग जो है बहुत सॉलिड है, लाइक इतना प्रीमियम भी तो नहीं है लेकिन इतना लाइक बेकार भी नहीं है जो कि हमें कुछ भी लो क्वालिटी का मिल जाए, अच्छा है इसका। और जैसे ही आप ओपन करते हो तो इसमें हमें मिलता है एक डब्बा, डब्बा तो ओपन कर दिए। इसमें है KL राहुल का एक लोगो, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और है बोट के। तो फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं। और बॉक्स में अगर हम देखें तो इसमें हमको मिल जाता है तीन चीजें जो कि है, आप देख सकते हो, ईयरफोन्स इटसेल्फ और कुछ और बड्स जो कि नेसेसरी है ताकि आप अपने कानों के साइज के साथ आप इसको एडजस्ट कर सको। देखिए इसको, और ठीक है। और नेक्स्ट ईयरफोन जो है, आई थिंक ईयरफोन तो है, और साथ ही साथ हमको मिलता है कुछ पेपर वर्क्स जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक आप देख सकते हो मुंबई इंडियंस का लोगो है इसमें, क्योंकि वो भी ब्रांड एम्बेसडर है, स्पॉन्सर करते हैं, और इधर चेन्नई सुपर किंग्स का भी है। तो इसमें एक लीफलेट जैसे मिल जाता है, इसमें पूरा है, आप देख सकते हो जो जो ब्रांड एम्बेसडर है उनके बारे में पूरा लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड है, ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड है और बहुत लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं, बहुत सेलिब्रिटी स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि ये ब्रांडेड है, इसलिए इसको साइड में रखते हैं। और इधर आप देख सकते हो एक छोटा सा लाइक वारंटी कार्ड मिलता है, वारंटी कार्ड जो कि नेसेसिटी है, और ऐसे लाइक अच्छे ब्रांड्स के लिए ऐसे सब चीजें ना नेसेसरी होता है, आप लोकल ब्रांड ले लो तो ये सब नहीं मिलता। और फाइनली आता है हमारा ईयरफोन। तो ईयरफोन्स अगर निकालता हूं मैं तो आप देख सकते हो कि इसका पैकेजिंग जो है काफी हद तक बहुत लाइक अच्छा है। तो मुझे समय लगा निकालने के लिए इसको। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से टाइट पैकेजिंग हुआ है ये, और आप देख सकते हो इसका जो केबल है काफी अच्छा है, क्योंकि ये जो ब्रेडेड केबल है, और ये आई थिंक, एक सेकंड मैं दिखाता हूं आपको, ये मेंशन्ड था, लाइक ये मेंशन्ड है बॉक्स में कि ये ब्रेडेड केबल है, क्योंकि जो नॉर्मल केबल रहता है ना वो लोग उसको खराब कर देते हैं, गंदा हो जाता है और बहुत ही जल्दी बिगड़ जाता है। और इसी की वजह से ना आपको ईयरफोन लगाओ दोनों साइड से तो आपको एक साइड आवाज सुनाई देती है, जो भी अगर आप 800-900 क्यों नहीं, आप 1000 रुपए का भी ईयरफोन ले लो तो ऐसे प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये वाले केबल में ना आप देख सकते हो ये ब्रेडेड है, और इसका मैं आपको अगर सच में बताऊं तो इसका जो ये है, ये एरिया है, ये बहुत ही लाइक प्रीमियम वायर है। आप देख रहे हो लेकिन पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं फील कर सकता हूं कि ये बहुत ही प्रीमियम वायर है, और इसका जो ये मेटलिक फिनिश है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल बैठता है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड नेक्स्ट थिंग कि ये केबल जो है ब्रेडेड केबल, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होगा और बहुत ही लंबा चलेगा। तो चलिए मैं एक फोन लाता हूं और इसको मैं टेस्ट करके आपको बताता हूं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, और क्यों ये बाकी सारे बोट्स के जो भी आते हैं, जो प्रीमियम ईयरफोन जो हमें 300-400 में मिल जाता है, उसके कंपेरिजन में ये क्यों बेहतर है, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो ये एक वीवो का फोन है और इसमें मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो देखते हैं इसका म्यूजिक क्वालिटी कैसा है। और आई थिंक आपको आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको ये ऑब्वियसली बताना चाहता हूं कि देखते हैं एक सेकंड, नहीं सुनाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसका जो लाइक
क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम ऑडियो टाइप है, लाइक सोनी के जो बड़े बड़े हेडफोन्स रहते हैं या फिर बोस के हेडफोन्स रहते हैं, जो कि मैं ट्राई किया हूं 2-3 बार, उसके जैसे है इसके आवाज, और बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है ये बेस हेड्स का 162 सीरीज है, बेस हेड्स का 162 सीरीज है, आप इसको सर्च कर सकते हो, बोट बेस हेड्स 162। गाइस ये पर्टिकुलर ईयरफोन मैंने नोटिस किया कि ये जो ईयरफोन है ये बहुत ही डिमांड में रहता है, क्योंकि बोस हेड्स का 152 हो जाए उसका क्या है, उसका बस उसका बेस बहुत अच्छा है, और बोस हेड्स का 100 हो जाए उसका क्या, बस उसका डिजाइन अच्छा है और बहुत सारे कलर्स में आते हैं, इसलिए उसका ज्यादा मतलब डिमांड रहता है। लेकिन बोस हेड्स बेस हेड्स 162 बोट का जो मैं ये नोटिस किया हूं, इसका प्राइस ना कभी कभी मैं देखता हूं ये 1200 के आसपास चले जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसकी डिमांड कितनी अच्छी रहती है। क्योंकि मैं एक चीज नोटिस किया, 162 ये बेस हेड्स 162 है बोट का, लेकिन जो बाकी सारे ईयरफोन है वो मैं अपने दोस्त के पास ट्राई किया था, कहीं पे बेस हेड्स 182 उसमें ट्रिबल अच्छा रहता है, उसका डिजाइन थोड़ा बहुत अच्छा है, बस ट्रिबल उसका अच्छा रहता है और लाउडनेस रहता है। बेस हेड्स 152 उसमें बेस अच्छा रहता है और उसका लाउडनेस भी इतना खास नहीं रहता लेकिन अच्छा रहता है। और बेस हेड्स के 100 सीरीज जो कि मैं अभी फिलहाल कुछ दिन पहले मैं लाया था, और वो जो है उसका क्लियर रहता है, बहुत आवाज उसका क्लियर रहता है, लेकिन बेस ट्रिबल उसका इतना खास नहीं रहता। लेकिन मैं आपको लाइक सच में बता रहा हूं, ये जो ईयरफोन है बेस हेड्स 162 बोट का, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो आवाज है ना ये पूरा कंबाइंड है, सराउंड साउंड है इसमें, बेस कंप्लीट बेस से हाई रेस ऑडियो है, HD ऑडियो है, और इसके साथ इसमें ट्रिबल भी है। और आप नहीं मानोगे, मैं फिलहाल कॉलिंग करके टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि इसमें जो वॉइस आएगा जब आप कॉलिंग में बात करोगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन भी जो है वो एक अच्छे जगह पे सेट है, कि आपका जो वॉइस हो वो अच्छे से जा सके और वॉइस अच्छे से ये इंटेक कर सके। सो फिलहाल गाइस ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम टाइप ईयरफोन जो आपको 400 के अंदर मिल जाता है, फिलहाल ये मुझे 399 का पड़ा जब मैं ये खरीदा, लेकिन अभी मैं जस्ट इसको Amazon में चेक किया तो इसका रेट ऑलमोस्ट 999 रुपीस तक जा चुका है। तो फिलहाल ऐसे ही ऊपर नीचे अपने मतलब डिमांड के साथ ये इसका प्राइस घटता रहता है और बढ़ता रहता है। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा है। सो नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सच में सोच रहे हो कि एक ऑब्वियसली आप जितना भी वायरलेस ईयरफोन यूज करो आपके पास एक वायर्ड हेडफोन ईयरफोन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत सारे लोग उसको कितना भी रेट वाला खरीदे तो वो 2 दिन में खराब कर देते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप बोट के बेस हेड्स 162 ले, जरूर ले, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ईयरफोन है और इसका ब्रेडेड केबल सिक्योर है, ये जल्दी खराब नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, और कुछ भी कमेंट्स हो प्लीज, आप कुछ भी डाउट हो कमेंट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट थिंग आपको ये जरूरी बात बताना है कि आपको कुछ भी डाउट होता है तो मैं देखता हूं कि कमेंट सेक्शन में कभी लोग पूछते थे पहले, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप royboy.universe को इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर देना, क्योंकि अगर आप कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है गैजेट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड मोबाइल रिलेटेड, बस एक DM कर दो और मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।